नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। सिद्धार्थनगर जिले की सर्विलांस टीम ने जिले के विभिन्न स्थानों से खोए हुए 59 मोबाइलों को बरामद कर उनके हकीकी मालिकों को सौंपा है, जिनकी मार्केट में कीमत करीब 7 लाख के आसपास है। शुक्रवार को जिले के कप्तान अमित कुमार आनंद ने पुलिस लाइन में मोबाइल के हकीकी मालिकों को बुलाकर उन्हें मोबाइल सौंपते हुए कहा कि वे अपने मोबाइल का ख्याल रखें। पुलिस कप्तान ने कहा कि जिले की सर्विलांस टीम के काफी अथक प्रयास से कई वर्षों से गुमशुदा मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को सौंपने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप पुलिस विभाग की इस कोशिश से लोगों के चेहरों पर खुशी देखकर पुलिस विभाग के लोगों को काफी इत्मीनान होता है। पुलिस कप्तान अमित कुमार आनंद ने सर्विलांस टीम के इस उत्कृष्ट कार्य के लिए टीम को 10,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। ये सिद्धार्थनगर पुलिस की सर्विलांस टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए आज 59 मोबाइल, जिसकी बाजारू कीमत लगभग 7.5 लाख रुपये होगी, उसको बरामद कर इसके जो ओरिजिनल ओनर्स हैं उनको सुपुर्द किया गया है। ये सभी फ़ोन विभिन्न तिथियों में खो गए थे, जिसकी विभिन्न प्रकार से पुलिस के पास रिपोर्ट आई थी। इस पर हमारी सर्विलांस टीम लगातार कार्य करती रहती है और जहाँ जब भी किसी खोए हुए मोबाइल की सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई करती है। इसमें हमारी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। ये जो 59 मोबाइल जो बरामद किए गए हैं जनपद सिद्धार्थनगर तथा आसपास के जनपद, साथ ही दिल्ली और मुंबई से भी कुछ फ़ोनों को बरामद किया गया, इनका कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है, टीम ने किया है। इससे जनता को भी बहुत खुशी प्राप्त हुई है इनके इस उत्कृष्ट कार्य के लिए। मैं इनके 10,000 रुपये इनाम देने की घोषणा करता हूँ। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक के फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर, बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे RO का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने, GT रोड, एटा, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9422827579456214024। खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से है। कोतवाली नगर अंतर्गत रायबरेली बाईपास स्थित दुबे मिष्ठान भंडार में सिलेंडर लीक करने से लगी आग। घरेलू सिलेंडर से बना रहे थे मिठाई बनाते समय सिलेंडर की पाइप फटने से लगी आग। नाबालिग बच्चों से दुकानदार करवाता है काम। मंडी चौकी के सिपाही ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में रही कामयाब। दुकान मालिक ने मीडिया से बात करने से किया इनकार। फायर ब्रिगेड प्रभारी राम प्रसाद पांडे ने बताया, लापरवाही से काम करने से लगी है आग। उत्तर प्रदेश के जनपद फरुखाबाद कस्बा शमसाबाद के ग्राम रसीदपुर तराई के प्राथमिक विद्यालय की जब क्लास चल रही थी करीब 10 बजे लेंटर के पीछे का हिस्सा प्लास्टर नीचे गिर गया, जिससे क्लास में बैठे 2 छात्राओं के सिर में काफ़ी चोट आई। क्लास के समय रूम में 22 बच्चे पढ़ रहे थे और टीचर पढ़ा रहे थे। उसी समय अचानक लेंटर का प्लास्टर गिर जाने से 2 छात्रों के सिर पर गंभीर चोट आई है, जिससे टीचर और प्रधानाध्यापक आनंद फानन में बच्चों को लेकर CSC शमसाबाद लाए और उनका इलाज कराया। घायल बच्चों में सोनम और सुधा कुमारी कक्षा 4 की छात्राएं हैं। सोनम की मां का कहना है कि मास्टर साहब ने पट्टी तो करवा दी लेकिन टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लग पाया और जब बच्चों के चोट लगी तो उन्होंने हमें बताना नहीं समझा, अपने आप चुपचाप शमसाबाद CHC केंद्र ले गए और पट्टी बंधवा कर मेरे पास छोड़ दिया। उनका कहना है स्कूल में घटिया लागत से बना कमरों का खस्ता हाल दिख रहा है, जिससे कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। पूरे विद्यालय में बालू की मात्रा ज्यादा लगाई गई है, जिससे प्लास्टर छूट रहा है। अब जा तो मास्टर साहब जाना है। यही चीज होता है ना, बच्चा कहाँ गया था? स्कूल है ना, तो बच्चा अच्छा स्कूल में था। तो कैसे चोट लगी है इसके? इनके वो पता था, इनका गिर गया उसे लेके यहाँ लेंटर की यहाँ चोट लग गई। तो
पट्टी तो हो गई, पट्टी हुई गई काफी, उनके चोट लगी भाई, उनने पट्टी बनवाई ना तो टिटनी सुई लगवाई, अब ना कोई दवा हुई थी तो इधर उधर बच्चा वो तंगते परेशान है। मास्टर जब मास्टर साहब लगे तो मेरे बच्चे हो सर लाए, तो आप लोग सूचना दी थी उन्होंने कि नहीं? आप लोग आप इनने चुप्पा लगे, हमें इनने सूचना उचना कछु ना आई दे, ये नहीं माए गए मास्टर ने हमें कछु सूचना ही ना दे, जाके मारे जा बजा से यहाँ की बच्चा की चोट काफी। अच्छा हाँ। क्या टांगे लगे हैं क्या? पता ना, अब हमने देखी ना तो हम कहा बतावे आपको, जब जान माटा साहब की जो चटको। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक्य फाउंडेशन द्वारा संचालित जीएनएम नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर, बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे आरओ का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने, GT रोड, एटा, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9412282757, 9456210424। अयोध्या पहुंची तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने हनुमानगढ़ी पर राम जन्मभूमि दर्शन पूजन किया। इस दौरान अयोध्या में बने मद्रासी मंदिर से निकाली गई श्री राम रथ यात्रा में सैकड़ों की संख्या में आए तेलंगाना के लोगों के साथ शामिल हुई और कहा कि आज रामलला का दर्शन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने कहा कि कुछ तमिल भाषी लोगों के धार्मिक आयोजन में भाग लेने पहुंची थी, इसके साथ पिछले 60 वर्षों से जुड़े हुए हैं भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की प्रतिमा के रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकली हैं। पूरे देश के लिए आशीर्वाद मांगा है, हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि दर्शन पूजन कर रही हूं और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आज ये मौका मिला, मैं बहुत खुश हूं, मैंने भगवान से कोरोना के समापन के लिए आशीर्वाद मांगा है, सभी लोग सुरक्षित रहें और कोरोना समाप्त हो। दरअसल अयोध्या में स्थित मद्रास मंदिर पर मंदिर का जीर्णोद्वार चल रहे वार्षिक उत्सव के तौर पर धार्मिक आयोजन किया गया, इसमें बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं और अपने पूजा पद्धति के अनुसार भगवान का अभिषेक, भगवान को रथ पर सवार करके पूरे नगर का भ्रमण इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं। मद्रास मंदिर के कार्यक्रम में भाग लेने तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन भी आई। ऑर्गेनाइजेशन द सोसाइटी व्हिच इज सर्विंग द कंट्री, दे आर वेरी गुड इन ट्रेड पेट्रियाटिज्म एंड दे हैव सर्वड द कंट्री फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम एंड दे आर सर्विंग, दे आर ऑल रिलीजियस, they respect the religious sentiment of this country and they are much cultured, they respect the culture of the country and I am very happy to attend the chariot festival. This chariot is done within 63 days at Tamil Nadu and after 60 years this chariot is going to run in the streets of Ayodhya and I am really very happy to end. This will be a message, then I pray God that people should be free of corona and particularly Ayodhya attending this program, I very sentimentally, I am very happy. Thank you. Ma'am, Ramlala, Ram Mandir temple construction? Yeah, I am going to pray there. Captain Tara Kuspa Nursing College Abam Research Center, Dr. Shyam Singh Shakya Foundation Dwara Sanchalit, GNM Nursing Course Pathekram, Yogyata 12vi Pass, Kisi Bhi Sankai Se, न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर, बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे आरओ का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने, GT रोड, एटा, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9482827579456210424
4। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राजघाट स्थित द्वारिका मंदिर में भगवान के पाठ उत्सव का कार्यक्रम के अवसर पर 9 दिवसीय वाल्मीकि रामायण की कथा का आयोजन हुआ, जिसमें अयोध्या व अन्य जनपदों के श्रद्धालु इस वाल्मीकि रामायण कथा में सम्मिलित हुए और कथा का रसपान लिया। वहीं द्वारिका मंदिर के महंत स्वामी सूर्य नारायण चार्य ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान का पाठ उत्सव कार्यक्रम मंदिर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन किया गया। कथा की अमृत वर्षा जगत गुरु रामानुजाचार्य ने किया और श्रद्धालुओं ने कथा का रसपान ग्रहण किया और भक्ति में लीन हुए। 6 जुलाई को भगवान का अभिषेक हुआ, श्रृंगार हुआ। आज 9वें दिन कथा का पूर्णाहुति विधि विधान पूर्वक समापन हुई। शाम को भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें अयोध्या के साधु संत सम्मिलित होंगे और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस भगवान का पाठोत्सव चल रहा है, प्रतिवर्ष पाठोत्सव मनाया जाता है। इसी समय में इस बार वाल्मीकि रामायण की कथा रखी गई। जगतगुरु रामानुजाचार्य रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज ने बड़ी दिव्य कथा सुनाई है, बड़ा आनंद रहा। इसी बीच में 6 तारीख को विशेष पाठोत्सव हुआ था, भगवान का विशेष अभिषेक श्रृंगार वगैरह हुआ था। अभी कथा का मतलब पूर्णता प्राप्त हो रही है और इसके बाद जगोपवीत का कार्यक्रम होगा, शाम को भंडारा। प्रतिवर्ष पाठोत्सव इसी समय पर होता है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर सप्तमी अष्टमी के बीच में। तो बस यही मान के चलिए कि जो धर्माचार्य अभी अयोध्या में उपलब्ध हैं, सबने कृपा किया है, सबने अनुग्रहित किया है, सबने कृपा किया है और आए हैं कथा में। और अपना देखिए, यह तो सृष्टि के प्रारंभ से गुरु पूर्णिमा का पर्व चल रहा है और आशा। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक्य फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से, न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर, बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे RO का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने, GT रोड, एटा, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9412282757 9456210424। आज क्षेत्र अधिकारी ललिया श्री राधा रमन सिंह द्वारा थाना महाराजगंज तराई कस्बा एवं कोबापुर क्षेत्र में शांति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत क्षेत्र में सतर्क दृष्टि बनाए रखने हेतु पैदल गश्त किया गया। पैदल गश्त के दौरान चौराहों, मार्केट, भीड़ भाड़ वाली जगहों आदि पर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों, वस्तुओं की गहनता से चेकिंग की गई। बड़े प्रतिष्ठानों, आभूषण व्यवसायियों से अपने प्रतिष्ठानों के अंदर एवं बाहर CCTV कैमरे लगाने की अपील की गई। जनपद के होटल व्यवसायियों से बात कर बिना ID प्रूफ के किसी को भी कमरा न देने, व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने के निर्देश दिए गए। सड़कों के किनारे अवैध रूप से पटरियों पर अतिक्रमण किए हुए दुकानों को हटाया गया तथा भविष्य में अतिक्रमण करने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इसी क्रम में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक चौकी प्रभारी द्वारा शांति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के अनुपालन नार्थ फ्लैंग मार्च किया गया। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक्य फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से, न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर, बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे RO का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने, GT रोड, एटा,
उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9412287579456214।